सेल्फी नहीं तो कम से कम मुझे तुम्हारे कैमरे में तो फिट कर लो प्लीज। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा हुआ सुबह हो गई, डरावने सपने से छुटकारा तो मिल गया। रोज रोज एक ही धुन बजाकर मुझे बोर मत किया करो। जिंदगी में एक बात याद रखना, खुले में कभी टॉयलेट मत करना। आड़े टेढ़े बाल बनाकर डेटिंग पर जा रहे हो? किशन लाल डीओ खत्म करने से अच्छा होता कि तुम नहा लेते। टीम में अपना खिलौना संभालो, किशन लाल ने इसे फ्री में खरीदा था। मिल गया चौकीदारी का इनाम। चलो चलो, बहुत हो गया आराम, आज हमें बहुत करना है काम। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक और नया दिन, लेकिन शुरुआत वही पुरानी। ये क्या किशनलाल, पूरे पैसे दे के आधी पैंट सिलाते हो? टीम में तुम मत देखना। किशनलाल बच्चे की जान लोगे क्या? टेक इट इजी। किशनलाल मोबाइल में बिजी। बंद कर अपनी सीटी, कब से कर रहा है टी 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 टी। फिर से एक और नया दिन, गर्म हवा और किशनलाल का चक्कर है काफी पुराना। आज कुछ तूफानी करते हैं, चलो सबके बाल काटते हैं। हमें मार खाने से डर नहीं लगता, लेकिन बाल काटने से डर लगता है सर। बारी बारी किसकी बारी? हाँ, सबसे पहले शॉन की बारी। यस। मेरा बलून कट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत काटना। ये लो किशन लाल, संभालो इस बोझ को। आ गया हमारा उजड़ा चमन, अब बिना बालों के घूमते रहना बन बन। ए शॉन, दिमाग की मोच पैर में उतर आई है क्या? जल्दी चलो, जल्दी चलो। किशन लाल ये मत बोलना, हर भेड़ के दिन आते हैं। फिर से वही बोरिंग जिंदगी, वही पुरानी शक्लें। वही पुराने काम की एक और नई लिस्ट। हमेशा लेट आने वाली बस जल्दी आ गई। काश मुझे भी कोई ऐसी लंबी छुट्टी मिलती। वाह, लाइफ हो तो ऐसी। कुछ पाने के लिए कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ती है। बस चली गई, लेकिन शॉन का दिमाग दौड़ रहा है। दोस्तों, हमारे अच्छे दिन हम खुद लाएंगे, समझे ना? कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा? बोलो, इतने में सौदा मंजूर है कि नहीं? तुम इंसिस्ट करते हो तो लाओ इधर। वैसे दोस्तों का काम मैं फ्री में करता हूँ, एक ब्रेड कम है। काम हो गया समझो। लाल जी कहीं का, इस स्केयरक्रो से अच्छा किशन लाल को खड़ा कर देते। वाह टिम्मी, तुम इतने छोटे होकर भी बड़ा काम कर रहे हो। ये चाय है या हड्डी का सूप जो इतनी कड़क है? ये कैसी आवाज? हम अरे हड्डी का नाम लिया और हड्डी हाजिर, क्या बात है। रुक जाओ,
नहीं है कैप्टन कहाँ चला गया, कितना काम पड़ा है, निकम्मा कहेगा। कैप्टन कैप्टन, अरे कहाँ गया कैप्टन, अब देखना मेरा निशाना। किसने मारा मुझे? उसने मारा सर। ए, तुम्हारी आंख का ये बटन, अगली बार ऐसा किया तो याद रखना। मौके पे चौका मारना तो कोई इनसे सीखे। मेरे होते हुए तुम भाग नहीं सकते कैप्टन। मैंने कहा चलो सब अंदर, चलो बोलो ना। ठीक है, जब तुम नहीं रहोगे तब भागेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80, 90, 10। लेकिन इनकी गिनती तो बढ़ती ही जा रही है, ये कैसे हो सकता है? किशन लाल जो सोता है वो खोता है। किशन लाल के घर रहते सुनकर टिम्बी की हंसी छोटी। हसो मत, अभी भी बाकी है अपनी ड्यूटी। आप ये सदमा सह नहीं पाओगे, इसलिए अपने कान बंद कर लो। सॉरी मालिक। इसे कहते हैं मुंह का निवाला छिन्ना। हमें लंबी छुट्टी पर जाना है तो किशन लाल को ठिकाने लगाना होगा, लेकिन कैसे कैसे? दिमाग की बत्ती चली और शॉन की टोली चली। खुल जा सिम। अरे खुलना, खुल गया। किशन लाल तुम यहाँ आराम से आराम करना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें मत बुलाना, और बीच में आके खुले तो ये नजारा देख लेना। बाल बाल बच गए। मालिक को जल्दी मत जगाना प्लीज। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देखता ना। शॉनपुर का शॉन, हीरो शॉन कर रहा है टीम के साथ शॉनपुर में हंगामा। वाह, चोरों के हाथ चाबी लग गई। अब इसका अंजाम क्या होगा कुछ पता नहीं। टिम्मी के मम्मी संभालो टिम्मी को, कहीं हाथ से निकल ना जाए। मैं बनाऊंगा मिक्स फ्रूट जूस विथ फ्लावर फ्लेवर। तंदूरी चिकन नहीं तो पॉपकॉर्न ही सही। शॉन द मैजिशियन शेफ, ठंडा पिज्जा खाने में क्या मजा है। चलो इसे टोस्ट करते हैं। सरजू की आइसक्रीम हड़ताल पर है, लेकिन बिरजू के पॉपकॉर्न आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एंटरटेनमेंट, ये चार चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। सरजू कश्मीर से निकलकर फिल्मिस्तान पहुंचो जल्दी। चीयर्स टिमी। कैप्टन आप तो हड्डी लाने गए थे ना। इसे कहते कबाब में हड्डी। मालिक को यहां से लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खैर तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मालिक को जगाता हूं। कैप्टन हम साथ साथ हैं, साथ क्या उससे भी ज्यादा है दम लगा के। अरे मालिक की गाड़ी आगे निकल गई। मालिक मैं आपको और आपकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दूंगा। मालिक खटारा हुई तो क्या हुआ, गाड़ी को बचाना होगा। आइला बचने के लिए मुंह छिपाना होगा। अगली बार यहाँ दिखे ना तो मुंह तोड़ दूंगी। दोस्तों अब गाड़ी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे अब क्या होगा,
मालिक को कैसे बचाएंगे, गाड़ी को कैसे रोकेंगे? दोस्तों चलो मेरे साथ। रुक जाओ, तुम सब अंदर जाओ। अबे क्या भी? मैं? लेकिन इसका क्या करें? इसे तुम रख लो, मैं मालिक को बचाने जा रहा हूँ। मालिक, मालिक ने कहा था रेड लाइट का मतलब खतरा होता है, रुकना पड़ेगा। छुप के फोटो लेता है, नहीं छोड़ोगी? मैं वर्ल्ड टूर पे नहीं जाना चाहती। हाथ आया पर मुंह ना लगा, लेकिन मालिक को बचाना तो जरूरी है। मालिक, ये कैप्टन अब तक क्यों नहीं आया? चलो हम सब अंदर चलते हैं। दरवाजा खुला छोड़ दिया तुमने, कहीं कोई चोर घुस आया तो? अब ठीक है, चलो। किशन लाल जो सोता है वो खोता है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। लकी मैन, इस जियो की बदबू ने मार डाला रे। मैं इतना हैंडसम कैसे बन गया? क्या बात है! अरे कहीं मैं चांद पर तो नहीं आ गया? चांद पर नहीं किशन लाल, उससे भी ऊपर जाने की संभावना है। आलतू जलाल तो आई बोला को टाल दो। लगता है मैं बच गया। ये क्या? मैं शॉनपुर से जौनपुर कैसे पहुंच गया? मेरी टीम कहाँ है? कैप्टन, ये कैप्टन कहाँ चला गया? अरे कैप्टन, अब दौड़ कर क्या मतलब? जब चिड़िया चुग गई खेत। ए भाई, कोई गाड़ी को रोको भाई, ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। चलो पार्टी करते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से ही गोलू मोलू बोलू ने अपना डेरा जमा रखा है। दोस्तों देखा तुमने, इन्हें क्या हुआ? हमें भूख लगी है। बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी, लेकिन बिना खाने की जिंदगी कभी नहीं चलेगी। हो जाएगा बंदोबस्त। अगर एक बार शॉन कमिटमेंट कर लेता है तो वो फिर किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसके कानों पर हेडफोन लगे हुए होते हैं। अच्छा जोक था ना? ये लो, खाया पिया कुछ नहीं, पीछे पड़ गया बोल। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, सारे के सारे एक साथ आजाद हो गए। मैंने ये क्या किया? ओ,
मैंने। ए, जाओ जाओ जाओ, अंदर आने से पहले ये बोर्ड नहीं देखा क्या? अनपढ़ कहीं का। जा रहा हूँ बाबा, ये शायद पहले हिटलर के यहाँ चौकीदार था, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ? अरे मुंह से ऐसे निवाला छीनना पाप होता है। आंखों का चेकअप करेंगे। बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? दो कि तीन? इससे पूछो कि ये काम क्या करता है। ध्यान से देखो इस तस्वीर को। तुम ये हो? नहीं। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं मैं कौन हूँ। इसके दिमाग के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क उड़ गई है। एक काम करते हैं, हम इसे एक नई पहचान देते हैं। वैसे भी इसे कहाँ पता कि ये है कौन? बाय बाय। पता है कल मैं गोल्फ में लास्ट से फर्स्ट आया। खामखा टाइम वेस्ट किया। शॉनपुर में मची है भगदड़, और यहाँ बोलो बाउंड्री के बाहर। बैक टू पवेलियन। कहाँ चले गए सब? हे, वहाँ क्या कर रहे हो? इन्हें मालिक की याद सता रही है। मालिक, आप कहाँ चले गए? मालिक, इन्हें अब मैं कैसे समझाऊं? कुछ सोचता हूं। बस बहुत हुआ, मुझे मालिक को ढूंढने के लिए जाना ही होगा। सब अपना ख्याल रखना। क्या बात है शान भाईजान, मालिक को लेकर वापस आएंगे और बढ़ाएंगे शानपुर की शान। जल्दी का नाम गाड़ी, जो ना समझे वो अनाड़ी। इन अनाड़ियों को समझाना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं किशनलाल मालिक को ढूंढने। यस, समझ गए ना? ए, 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 संभाल के। शानपुर टू जौनपुर का सफर शुरू। इतने बड़े शहर में छोटे से मालिक को कैसे ढूंढूंगा? इस अनजान शहर में मुझे एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। बासी खाने की खुशबू से तो मैं बौखला जाती हूँ रे। ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है?
ये है यहाँ के एनिमल्स कंट्रोल ऑफिसर खुराना। सबका कहना है एनिमल्स बचाओ, और इनका कहना है एनिमल्स को हटाओ। मेरी इतनी तारीफ मत करो। लगता है वहाँ कोई है। खामा खा डरा दिया, चुप करो। शॉन, जरा संभल कर, क्या कदम कदम पर खतरा है। टिम्मी यहाँ कैसे पहुंचा? सिर्फ टिम्मी ही नहीं, सारी टीम को वेलकम करो। शांत रहो, बाहर मत निकलना, वरना पकड़ लेगा ऑफिसर खुराना। वो क्या है? ये कॉटन कैंडी यहाँ कैसे आई? क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए। हाँ चलो दोस्तों, ये तो भेड़ के बाल है। चलो मेरे साथ। वारे मेरे बाजीगर शॉन, घुमा कर रख दिया ऑफिसर का सर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कब तक बचेंगे? यहीं कहीं होंगे। ऐसा गेटअप लेना कि तुम खुद को बिना पहचान पाना। ऑफिसर, ये शानपुर के स्टार है। तुम लाख कोशिश करो, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले। देखा, तुम्हारे सामने से निकल गया। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका पर्स गिर गया था। पर्स के चक्कर में कहीं सबकी पोल ना खुल जाए। थैंक यू, वेलकम, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। चुप हो जा सब। बड़े शहर की इस भीड़ में मालिक को हम कहां ढूंढेंगे? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब दिमाग की खिड़की खोलनी पड़ती है। ये है नए डॉक्टर झटका। देखते हैं इस होप हॉस्पिटल में इनका क्या होता है। यहाँ मालिक के बिना तो मैं आधा हो गया। मालिक का वजन तो हद से ज्यादा हो गया। बाद में देखता हूँ इन्हें। यहाँ से निकलना होगा। आगे कुआं पीछे खाई, अब कहाँ जाओगे मेरे भाई? अरे मुझे जाना था पटना, पटियाला पहुंच गया। अब संभालो अपना केस,
वरना तुम पर केस बन जाएगा डॉक्टर झटका। अरे मैं तो यह फंस गया, इसका मैं क्या करूँ क्या करूँ। आई सी, तो मरीज को ये प्रॉब्लम है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर के पर निकलते देखे थे, तुम इसके तो पूछ निकल आई। अब ऊपर वाला ही तुम्हें बचा सकता है मेरे भाई। चल बेटा कैप्टन, चढ़ जाओ सुली पर। अरे इसे ऊपर नहीं पहुंचाना है। मैं देख रहा था तुम्हें कुछ याद है या नहीं। कैप्टन, लालच का फल बड़ा ही कड़वा होता है। रोक सको तो रोक लो खुद को, रोक लो ना। ये भाग भाग कैसी, खैर इसमें मेरा क्या। ये क्या है, मेरी याददाश्त चली गई है। अरे भाई तुम इंसान के डॉक्टर हो या फिर कारपेंटर, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इसे क्या हुआ, शायद पागलपन ज्यादा बढ़ गया है। बचाओ, बाल बाल बच गया। जब तक है जान में जान, किशन लाल को ढूंढता रहेगा शॉन। Sorry sir, गलत से मिस्टेक हो गई। जोर से लगा, फिर से हुआ इनकी आंखों को धोखा। पल भर में उजड़ा चमन बन गया। मिर्च देखकर रानी मौसी की जीभ लप लप आई, लेकिन खाने के बाद उसे नानी याद आई। पानी सारा शहर इनके पीछे और ये किशन लाल के पीछे। ओ बाल बाल बचे। आइसक्रीम और पेस्ट्री देख के सबके पेट में चूहे भांगड़ा करने लगे। लेकिन जब शॉन है यहाँ पर तो बिल की किसे फिकर।
तुम डरो मत, खातिरदारी करना इनकी ड्यूटी है। लेकिन टिम्मी, तुम्हें खाना मिलेगा अंडर द टेबल। यस। रानी मौसी, यहाँ तो कुर्सी भी डरने लगी तुमसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अनपढ़ गंवार लोग। सर जी, एक पोज देना ना प्लीज। ये काली चीज क्या है बिरजू? स्टार्टर खा के देखती हूँ। बहुत बढ़िया, तुम भी खाओ ना। रुक जाओ रुक जाओ। अरे क्यों नाक कटवाने में तुले हुए हो? ये खाना नहीं, इसमें खाने के नाम है बेवकूफ। यह है मेन्यू। इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। शॉन ने इन्हें मुसीबत से निकालने का बेहतरीन आइडिया ढूंढ निकाला है। हीरो के हीरो की रीति देखो। लगता है इसने लगातार 9 फिल्में फ्लॉप दी है और मार्केट में काम नहीं मिल रहा है। अरे भाई, इन्हें देख के मत होना हैरान, क्योंकि ये तो तुम्हारे फैन है। हीरो, हो गया बेड़ा गर्क। भले डकार हो तो रानी मौसी जैसी, वरना ना हो। कैसे अजीब लोग हैं। ये तो टिम्मी की आवाज है। टिम्मी, टिम्मी यहाँ आ जाओ, अभी की अभी। आता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा टेस्ट तो कर लो। शॉन, तुम्हारे किस्मत की डोर ट्रॉली के हाथों में है। आखिर जिसका डर था वही हुआ, सबको असलियत का पता चल गया। अरे कोई है, जल्दी में भगाओ वरना सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। ऑफिसर जल्दी आओ, यहाँ भेड़ घुस आए हैं। पहली बार देख रहा हूँ। मिस्टर क्रैब ने भी चांस पे डांस किया। मिस शरीना का बिगड़ा मेकअप और कर दिया उसने हीरो का मेकअप। दूसरा नाम है ऑफिसर खुराना। अब तुम्हारा बचना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी। मेरी पकड़ से आज तक बड़े बड़े जानवर नहीं बच पाए, तो तुम किस खेत की मूली हो? मैडम माया, ये लीजिए आपका पर्स। और ये रहा मेरा कार्ड। याद नहीं आएगी ना, फिर भी कॉल कर लेना प्लीज।
दोस्तों से बिछड़ने का गम बढ़ता ही जा रहा था कि शॉन की नजर किशन लाल पर पड़ी। हट ऑल लेडी, चलिए बॉस। हीरो का हेयर स्टाइल देखकर सबके सब हो गए दंग। दोनों हेयर ड्रेसर हो रहे हैं कंफ्यूज, कैसे करें इनका हेयर स्टाइल दुरुस्त। किशन लाल को हेयर कटिंग मशीन देखकर कुछ याद आया। ए मिस्टर, जल्दी से मेरे बालों को ठीक करो। इसे कहते हैं गलती से ही सही तीर निशाने पर लगना। पूरे सलून में लोग हो गए हक्का बक्का, ये बाल काटने का कौन सा है तरीका। मेरे सारे बाल काट दिए तुमने, मैं तुम्हें। हे, क्या धांसु है स्टाइल है, मजा आ गया यार। सबकी जान में जान आई, अपने हीरो को हेयर स्टाइल पसंद आई। अरे कोई इनके लिए तालियां तो बजाओ, मैं खुश हुआ। काम का बंदा है, इसीलिए इनाम तो बनता है ना। शाबाश शाबाश। अरे किशन लाल, कहाँ जा रहे हो तुम? तो इनके लिए लॉटरी का टिकट हो। Shaun, welcome to your new home. यहाँ एक से बढ़कर एक खूंखार एनिमल कैद है। शॉन, अब तुम्हारा क्या होगा? अब से यही तुम्हारा घर है। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। कौन है? ये तो अपना कैप्टन है। ए कैप्टन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब छोड़ो भी ना कैप्टन, ये डायलॉग अब हो चुका है पुराना, पर हमें कैद करने का क्रेडिट ले गया है खुराना। मुझसे जो टकराएगा वो चाहे कभी भी किधर भी कहीं भी छुप जाए, मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगा। कुछ सोचा? हाँ, सारी मुसीबत की वजह तुम हो। खैर छोड़ो, मेरे फेस पर क्या न्यूज़पेपर चिपका है जो इतना घूर घूर के पड़ रहा है? इसकी आंखें है या किसी कार की हेडलाइट? ओहो,
ये तो वही पिग है जिसे मैंने बस स्टैंड पर देखा था। यहाँ सभी तरह के पेट्स मिलते हैं। वेलकम सर। इस मुसीबत को ही हटा देता हूँ। खबरदार, होशियार, आ रहे हैं दो मालदार। इनके मन को जो भी भाएगा वो इनके घर जाएगा। मेहरबानों, कद्रदानों, दिखावे पर मत जाओ। जरा अपना अपना दिमाग लड़ाओ। यह है मिस शर्मिली। और इन्हें देख के तो शर्मा जी भी शर्मा जाएंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ओके, आगे चलिए। ये है हमारी रंगीली। आज के बाद उसकी किस्मत हो जाएगी रसीली। इतना भी क्या गुस्सा ऑफिसर खुराना? तुमसे मेरा हिसाब बाकी है पुराना। यहां से आजाद होने की खुशी तुम क्या जानो शॉन बाबू? हीरो की तो निकल पड़ी क्योंकि शहर के हर गली में इनके हेयर स्टाइल का ही चर्चा है। किशनलाल, ऊपर वाला जब भी देता है ना तो देता है छप्पर फाड़ के। अब तुम बन चुके हो आम आदमी से मिस्टर एक्स। अरे बाबा, ऐसे ही देखते रहोगे ना तो आंखों में मोच आ जाएगी। क्यों आ गए कल ठिकाने? अरे तेरा पेट है या पिटारा? जब यह देख के शॉन का दिमाग चल पड़ा। अगर किसी तरह से चाबियां मिल जाए तो हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो हवा आजाद हो रही है। मैडम माया को देखकर ऑफिसर खुराना का दिल गार्डन गार्डन हो गया। और यहाँ शॉन की टीम बना रही है शॉन को छुड़ाने का प्लान। चलिए ना, एक कप कॉफी हो जाए प्लीज। किसी से काम करवाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन हर बार तीर निशाने पर नहीं लगता।
मिल गई कामयाबी। लेकिन ये क्या, जाना था जापान पहुंच गए थी, अब जान बचानी है तो भागो रे बाबा। बाय। क्या करे, वक्त पड़ने पर गधे को भी पापा बनाना पड़ता है। लेकिन ये गधा तो मान ही नहीं रहा। लो, हो गया फैन चौपट, अब भागो तुम दबाकर। आइडिया, अब देखना शॉन के शातिर दिमाग का कमाल। कभी कभी रास्ते में टांग अड़ाना अच्छा होता है। ऑफिसर, इस पेंटिंग के चक्कर में काफी लोग चक्कर में आ गए, तो फिर तुम क्या चीज हो? इसे कहते हैं नहले पे दहला। शानपुर की टीम ने साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ग्रेट, चलो मेरे साथ। सोच कर रहे हो, अब चलो भाई, मजबूरी है, चलना तो पड़ेगा ही। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहीं कोई देख तो नहीं रहा? हे टिमी, ये लो तुम्हारा डैडी। दूसरों को खुशी देने से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं। अचानक कुछ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे मालिक मिल गए। मालिक मिल गए। लेकिन लेकिन इस एड्रेस तक पहुंचे कैसे? ए डूर, अरे काय को मुंह लटकाता, चलो ना, हम तुमको तुम्हारे मालिक तक लेके जाता। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। इसी तरह अनजान शहर में शॉन और उसकी टीम को मिल गया पिक का सहारा। तुम्हारे मालिक। क्या बात है बड़े, लेकिन इनका अंदाज तो कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। मुझे नहीं पहचाना। देखो देखो, आगे मत आना, भागो यहाँ से, भागो। अरे इसे कोई भगाओ ना, ये शिप अंदर कैसे आ गया? भागो यहाँ से, भागो। Yeah.
शान के दिल का दर्द आंखों में उतर आया। चलो शान, अब यहां हमारा कोई काम नहीं। अरे सोच कर रहे हो, अब चलो अभी। हाँ शॉन, इतना दिल पर मत लो यार। बड़े बड़े शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। Every direction leads me. ये मेरा बेड है, तुम सब अपना अपना बेड बना लो। To be home. Stand in the mirror, you look the same. Just looking for shelter. अरे मैं यहाँ हूँ, खोलो मुझे। तुम तीनों मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। अब तो होगा सीधा फायर। यस, तकिया नहीं तो तकिए का ड्राइंग ही सही। टिम्मी का रो रो के बुरा हाल, कैप्टन ने की उसे बहलाने की कोशिश। सुनो और खुश हो जाओ टिम्मी, क्योंकि बजने लगा है तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक। ये क्या, टेप रिकॉर्डर ने भी दे दिया जवाब। टिम्मी, जब शॉन है अपने साथ तो फिक्र की क्या बात। रानी मौसी ने भी उसके सुर से सुर मिलाया और बाकी सबने भी उनके सुर से अपना ताल मिलाया। तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बहुत अच्छे, गुड गुड, वेरी गुड। म्यूजिक तो कुछ जाना पहचाना लगता है।
same as money. इस आग के साथ साथ अपने सारे अरमान भी जला दो। अब इसे कैसे निकालूं? इस पर्चे ने सारे राज खोल दिए। इसका मतलब हमारे किशनलाल बन चुके हैं गजनी। पता चलते ही सबकी हालत हो गई पतली। ये क्या है? छी, कितना गंदा टेस्ट है। जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाकर देखता हूं। शिकार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपना एक निशान जरूर छोड़ता है। दोस्तों, किसी भी तरीके से हम मालिक को अपने घर ले जाएंगे, फिर उनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ले जाएंगे कैसे, समझे? आइडिया? कुछ नहीं। आइडिया? कुछ भी तो नहीं। क्या? मैंने क्या किया? कमाल का आइडिया दिया। किशन लाल को हम भेस बदल कर ले जाएंगे, ऐसे कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। एक बड़ा सा घोड़ा बनाएंगे और उस पर किशन लाल को बिठा कर ले जाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? शॉन ने साबित कर ही दिया कि बिना कश्ती के नदी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मत लो यार, रास्ता साफ है, आ जाओ। क्या है? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? यह है नींद की दवाई। एक तीर काफी निशाने। कमाल का आइडिया है शॉन भाई। चलो मेरे साथ। मुझे देख के लोग पतली गली पकड़ते हैं। आज मुझे ही पतली गली से निकलना पड़ रहा है। पहरेदारी के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। जल्दी करो, जल्दी करो, सब होश में आने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। कैप्टन, संभाल लो अपना स्टीयरिंग। ओके, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक।
अरे गधे जैसा नहीं, घोड़े जैसा चलना है। लगता है मैं मंजिल के काफी करीब हूँ। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, अभी भी खतरा टला नहीं है, पीछा कर रहा है। ये क्या बला है, लगता है अभी अभी पागल खाने से निकला है। क्यों ना मैं भी निकल लूं। मेरी पास की नजर से मैं हमारे गांव की दूरी नापता हूँ। शॉन, रास्ता मिल गया, लेकिन ये तूफान कहाँ से आया? ये घोड़ा कैसे आया? ओह, तो इस घोड़े पर एक गधा भी सवार है। मिस्टर, सुनो, तुमने इन तीनों को कहीं देखा है? ये तो हमसे ही हमारा पता पूछ रहा है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। ये कौन सा तरीका है सैल्यूट करने का? दाल में कुछ काला सफेद है, अभी देखता हूँ। बिना परमिशन किसी को डिस्टर्ब नहीं किया करते, जल्दी बाहर निकलो वरना लोग कहीं कुछ और ना समझ बैठे। छोड़ो मुझे, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लो, छोड़ दिया, तुम भी क्या याद करोगे, किन गरीबों से पाला पड़ा था। अब टेक ऑफ का वक्त हो गया है, जल्दी चलो। शेर के मुंह में लगा शिकार और मेरे हाथों लगा मुजरिम बच नहीं सकता। इसे कहते हैं अपना वार अपने पर ही चलना। तो मिस्टर होशियार, अब खुद को कैसे बचाओगे मेरे यार? अरे कोई बताए इन्हें कि रिलैक्स करने का नहीं बल्कि दुश्मन से दो दो हाथ करने का वक्त है। अरे ये कहां फंस गया मैं? ये भीड़ है या मुसीबत की दुकान? वाओ, इसे कहते हैं असली स्केटिंग। बचाओ, चेन्नई एक्सप्रेस आ रही है, अपनी जान प्यारी है तो रास्ते से हट जाओ। हाथ पांव चलाकर मतलब नहीं, मुझे गिरना ही पड़ेगा। मुसीबत से पीछा छूटा और हमारी मंजिल भी सामने खड़ी है। आज शॉन ने साबित कर ही दिया, जहां चाह वहां राह। यस, अरे भाग तकाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपना हाथ दो शॉन। ये कहा गया? कैप्टन, हमारे दुश्मन का खुद ब खुद सफाया हो गया, अब हम आराम से अपने घर जाएंगे। शॉन, अपने बाहुबली दोस्त के होते हुए फिक्र करने की कोई बात नहीं, लो पहुंच गए जगह पर। मेरी हालत बदली करने वालों, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को भी भूल जाओगे। कमर का कबाड़ा बना दिया रे। चलो शानपुर वासियों, पोल खुलने से पहले अपना अपना पोजीशन ले लो।
मुझे ये केक पसंद है, मैं इसे खा जाऊंगा। किशन लाल जल्दी से घर का होलिया ठीक कर दो, वरना ये अपना होलिया बिगाड़ देगा भाई। मेरा बस चले ना, तो ये तस्वीर ही यहाँ से हटा दो, लेकिन फिलहाल मुझे हटानी पड़ेगी। ये क्या हो गया? हाँ अब ठीक है, यहाँ डस्टबिन नहीं है। अपना मुंह खोलो, कोई देख तो नहीं रहा, उंगलियों के निशान नहीं मिलने चाहिए। चलो मालिक को अपनी जगह पर ले चलते हैं। ये यहाँ कैसे? लगता है ये टेढ़ा कभी सीधा नहीं होगा। हमें डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत। मेरी तरह तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। मालिक उठो, जल्दी से घर में चलो ना, चलो ना। मैंने कहा था सब कुछ करना, लेकिन मेरे ईगो को हर्ट मत करना। अरे चलो जल्दी, रानी मौसी अपना वेट लॉस करो, तुम्हारे वेट के चक्कर में मुसीबत वेट नहीं करेगी। सब चुप हो जाओ, कोई आवाज नहीं करना। लगता है अब सब कुछ ठीक है। टिम्बी की मम्मी मुसीबत बाहर ही खड़ी है, तुम्हें बाहर झांकने की पड़ी है। किशन लाल, मुसीबत दरवाजा खटखटा रही है, अब तो जाओ जाओ, जो सोता है वो खोता है। अब इन्हें पता चलेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अब मैं तुम्हें मुझसे मैं खुद भी नहीं बचा पाऊंगा, अभी इन्हें ठिकाने लगाता हूँ। कितनी गंदी बदबू है। तुम सब कौन हो? मैं यहाँ भेड़ों के बीच क्या कर रहा हूँ? ये हो क्या रहा है? गोल गोल रानी, अब इस ऑफिसर से बचने की सोचो जानी, वरना खत्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी। अब क्या करे शॉन? आगे ऑफिसर, पीछे खाई। अब नहीं बचेंगे हम, मेरे भाई। मालिक हमें बचाओ। ओ ये क्या, ये क्या? ये तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आखिर मामला क्या है? जब मैं छोटा बच्चा था, इनके साथ ऐसे ही गले लगा करता था। इसका मतलब ये मेरे अपने हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब तुम गए काम से। दम है तो मुझसे दो हाथ करो, चलो मेरे साथ। किशन लाल, ये कैसा बचाना हुआ भला? तुम इन्हें बचाने आए हो या फिर फंसाने? अब तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बस बहुत हुआ, बहुत तो मौजी सटक ली रे। ऑफिसर, डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ द कॉमन शीप। ऑफिसर खुराना, किसी को भी इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। अब तुम्हारी खैर नहीं। शॉन सबकी जान बचाने में हुआ कामयाब, लेकिन अब भी खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। असली मुसीबत की जड़ तुम हो, तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। इस
उसे कहते हैं जा को राखे साया मार सके ना कोई। आज साबित हो गया अपने तो अपने होते हैं। यहाँ से निकलने में ही भलाई है वरना लेने के देने पर जाएंगे। छोड़ो मेरा पैर छोड़ो। अरे मैं तुम्हारा खाना नहीं हूँ। इसका हिसाब किताब तो मैं पूरा करता हूँ। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की कैद कर रखा। इसे तो मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ पहुँच कर ये जिंदगी भर पछताएगा। उसे उसके किए की सजा मिल गई। जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हो ना अम, अम, अम। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नटखट कहे के तेरी मेरी यारी मुंह देखती रह जाएगी दुनिया सारे। इसी खुशी में एक छप्पी तो पाले मेरे यार। अरे भैया इन्हें भी साथ ले लो। छप्पी के हकदार तो ये भी है। चलो अब सोने का वक्त हो गया है। ये तो पिक लेटर है। लिखा है दोस्त तुम तुम्हारे मंजिल तक तो पहुंच गए। अब मुझे जाना होगा। थैंक्स दोस्त। अरे भाई जरा देख के चलो। शुक्र है वक्त पर ब्रेक लग गई। जाओ जाओ यहीं से तुम्हारे दिन शुरू होंगे। बाय बाय दोस्त। बाय बाय। शौनपुर में फिर से मुर्गेश्वर की बांग के साथ नई प्यारी सुबह। जागो भैया जागो। सुबह हो गई। आज की सुबह तो बड़ी ही प्यारी और सुनहरी है। बहुत दिनों बाद आज आराम से फ्रेश होगा। यस। ओ ये तो चमत्कार हो गया। आज तो इसका गुड लक है। ओ आदत से मजबूर हड्डी हो गई चूर चूर। शौनपुर में बड़े दिनों के बाद खुशियों की लहर उठी। लेकिन ये क्या किशन लाल की नजरें डेली रूटीन से आज भी नहीं हटी। अरे मालिक आज के लिए इस लिस्ट को अनलिस्ट कर दो। Hey yo, Shaun, you ready to kick it with us, man? That's what I thought. Let's take this up another level. Oh yeah. You ready? Alright, let's go. Rizzle kicks, yeah? Yo, what you know about Shaun the Sheep? Peeps hang on the words he bleats like. Yo, best that you heard, best in the herd.
I don't fall asleep. What you know about living in barns? Shaun be the joker, spinning that yarn. Got them lyrics, kicking them bars. If you're with it, John. For Shaun the Sheep, he's Shaun the Sheep. He even mucks about with those who cannot bleat. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Shaun the Sheep. He's Shaun the Sheep, he's Shaun the Sheep. He doesn't miss a trick or ever lose a beat. Perhaps one day, you'll find a way to come and meet with Shaun the Sheep. Oh yeah! Oozing with character, his bar is hard to beat. Whoa. From England to Africa, you cannot love the sheep. Whoa. Round the world, he travel far, oh gee, he makes me proud. Whoa. King amongst the herd, oh they should give him a crown. Who's that? He's Shaun the Sheep. He's Shaun the Sheep. He's not afraid to make the intellectual leap. Oxford Uni. For brains and guile. Oh yeah? With a wink and a smile. You can't compete with Shaun the Sheep. Oh no way. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tell him. For Shaun the Sheep, for Shaun the Sheep. He even mucks about with those who cannot bleat. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Shaun the Sheep. He's Shaun the Sheep, he's Shaun the Sheep, he's Shaun the Sheep, Shaun the Sheep. He doesn't miss a trick or ever lose a beat. One day, you'll find a way to come and meet with Shaun the Sheep.